देखिए, अब देश में नई सरकार जो है चुनने की कवायद तेज हो चुकी है और 9 तारीख को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ लेंगे। लेकिन हम अभी इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स की बात करेंगे। हम अभी इस वक्त पटना के तारामंडल के पास खड़े हैं और होर्डिंग लगा हुआ पीछे में, सहयोगी कहेंगे एक बार वो होर्डिंग को दिखाए। और इस होर्डिंग के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो बिहार की पॉलिटिक्स में जो है टाइगर की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि होर्डिंग में आप देखेंगे नीतीश कुमार का चेहरा है। नीतीश कुमार के चेहरा के पीछे जो है टाइगर, दो दो बाघ का फोटो बना हुआ है और नीचे में एक मोना सिंह करके व्यक्ति हैं, उनका उनका फोटो जो है लगा हुआ है, लिखा हुआ है टाइगर जिंदा है। मतलब इसको बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेट करके जो है देखा जा रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में ये कहा जा रहा है, जिस प्रकार से जदयू ने अपने सीटों को लेकर के जो परफॉर्मेंस की है उसके बाद से जगह जगह जो है होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्टर लगाए गए हैं इसको देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसे बिहार के पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से, हालांकि एनडीए की सरकार तो केंद्र में बन रही है, लेकिन सरकार बनने के साथ साथ बीजेपी के सीटों की संख्या जो है उसमें कमी आई है। यूपी में जो है सीटों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बिहार में परफॉर्मेंस ठीक रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार में अपने सीटों का परफॉर्मेंस किया है उसके बाद से इन चीज़ों पर खास करके ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार के बारे में, जो वो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। और इसी को रिलेट करते हुए जो ये पोस्टर है वो लगाया गया है, पोस्टर में टाइगर जिंदा है जो है वो लिखा गया है। तो ऐसे में आपको बता दें जो लगातार जो है बिहार के पॉलिटिक्स में ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार जिस प्रकार से उभरे हैं, और उभरने के बाद ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में है। और जो सीटों की संख्या है वह जदयू की सीटों की संख्या जो है 12 है, और 12 सीटों की संख्या होने के साथ साथ ये भी कल समरा चौधरी का ये भी बयान आता है, ये कहा जाता है जो हम लोग नीतीश कुमार की अगुवाई में 2025 का जो है चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो ये पोस्टर लगाया गया इसमें स्पष्ट बिहार की राजनीति से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं, टाइगर जिंदा है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार तो केंद्र में एनडीए की बन रही है, लेकिन जदयू का एक महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण रोल जो है वो देखने को मिलेगा। जदयू की जो है एक अच्छी खासी भूमिका इस सरकार में देखने को मिलेगी, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं किंग मेकर बनकर उभरे हैं। और ख़ास करके जो नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही थी, तरह तरह की चीज़ें कही जा रही थी, एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका में उभरे हैं। और उसी को लेकर के हम ये कह सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। हर पोस्टर में टाइगर जिंदा है का मतलब यह है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नज़र बिहार की पॉलिटिक्स से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में अभी भी अहम भूमिका रखते हैं, और केंद्र में सरकार तो बन रही है लेकिन नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका है। हालांकि कई तरह की बातें भी सामने आ रही है जो मंत्री पद को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, ये तो खैर देखने वाली बातें होंगी, क्या शर्तें होती हैं, किस प्रकार से सरकार में भूमिका होती है, कौन कौन विभाग दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। अगर कोई उन्हें नज़रअंदाज करने की बात करते हैं तो ये गलत है, ये व्यर्थ है। और इसी को रिलेट करते हुए जो है ये पोस्टर लगा दिया गया है, और ये व्यस्तम एरिया है। आपको यहाँ पर तस्वीरों से साफ देख रहे होंगे जो ट्रैफिक का एरिया है, ट्रैफिक जो है आने जाने का पूरा व्यस्त एरिया है। और यहाँ पर तारामंडल के पास में जो है एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, और उस होर्डिंग में जो टाइगर जिंदा है का जो है स्लोगन दिया गया है। अब ये देखने वाली बातें होंगी जी बिहार की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर और क्या मायने देखने को मिलता है। लेकिन बहरहाल जो इस तस्वीर से स्पष्ट संदेश जो मिल रहा है वह यह है नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 12 सीट जीत करके एक बड़ी किंग मेकर की भूमिका जो है उन्होंने निभाई है, और बिहार की पॉलिटिक्स में उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाकी ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे आईबी टीवी में। सही सोनू के साथ अंशु, आईबी टीवी पटना। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।